पेना करना तू ब्लॉग जोड़ो नो स्टार्ट मां स्टार्ट थे वो शावर बंद तो जी हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज का व्लॉग को क्यों स्टार्ट होता है कि हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और भाई वेलकम 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 एवरीवन और आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट करना था इस्लामाबाद से बट मैंने कहा नहीं यार वो फिर थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाएगा फिर आप लोग बोलते हो यार फरहान भाई आप 24 घंटे गाड़ी के अंदर घूमते रहते हो तो मैंने कहा चलो आज मैं इस तरह का कुछ करता हूँ कि भाई मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा गाँव में और आप लोगों को मैं सीधा मेन मुद्दे की तरफ ले के जाऊँगा। तो भाई अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। अभी सीन ये है कि मुझे जान ने कहा है कि भाई हमारी कुर्बानी एक और खड़ी हुई है और एक जो है बकरा है वो आ गया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई कौन सा बकरा है, 12 सिंगा है, 14 सिंगा है, 22 सिंगा है। आगे चलने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो गलियां हैं जो कि जिसके अंदर मेरा बचपन गुजरा है। तो एक ये गली है और सबसे जो फेवरेट गली है ना वो हमारी ये बिल्कुल हमारे घर वाली गली, ये वाली गली, ये गली मैं क्या बताऊं इतनी सुकून दे। एक ये गली है जिसके अंदर आपके भाई का बचपन गुजरा है। ठीक है ना वो वाला जो शीपू है वो डकी भाई का है और ये वाला शीपू हमारा शीपू है। ये भी व्लॉग बनाने लगे मैंने क्या कहा सुहेब, मैंने कहा ये वाले शीपू हमारा है और वो वाले शीपू किसका है, डकी भाई का, बल्कि नहीं डकी भाई की बीवी का है। देना अभी हम आपको मिलवाने लगे थे अपने कुछ ऐसे कजन्स के साथ जिनका बचपन भी बाहर गुजरा और बड़े भी बाहर हुए और अभी तकरीबन 2-3 साल बाद दोबारा आए हैं आप ऐसे। मैंने कहा चलो उनके साथ आपको ना मिलवा देते हैं बट जो है वो इस टाइम सो रहे हैं। तो हालांकि हमारा प्लान था ये था कि भाई चलो जाएंगे उधर मंडी वगैरह देख लेंगे, उनको भी थोड़ा सा ना घुमाएंगे। तभी सीन ये है कि अभी अलेका सलाम होगा वालेकुम सलाम सनम सर अलेका और स्विम की खफोर की और तचाज भी खा सा पिया ठीक था मंडे और तू का दागा 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 देख कितने शरीफ बच्चे हैं हमारे यहाँ के। सो जी ये हमारी वो गाड़ी जो कि मैंने लास्ट टाइम ठोकी थी और अब तो माशाल्लाह से बम्पर वगैरह भी लगवा लिया है और जो है जगह वैसी की वैसी पड़ी हुई है। थैंक्स सुहेब भाई कि इन्होंने इतनी मेहनत की इसके ऊपर, उसने ऑफिस को जुड़वा लिया। अभी हम निकलते हैं कहीं भी देखते हैं भाई घूमना फिरना कुछ करते हैं क्योंकि घर बैठ बैठ के तो मैं बोर हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानाजिम से पे दिल तक नासी आदिल तक ये द उजरे तुम द कुल दुगन कुली चौकीदारी की हिंदी शरबत हां यार उसे इन द मोर पर ये रखा और ने मैं खकार बो के खा ये जो है सारे गाय भैंस जा रही हैं। ये उधर मेला लग रहा है। अच्छा वहां पे मेला लगा हुआ है, अच्छा मेले की तरफ जा रही हैं। ये रहा हमारे गन्ने का शरबत, नहीं सॉरी हमारे गन्ने का नहीं। अबे साले तब उसी से ख्याल नहीं करी वैसा नरी के नहीं के ना नरी नरी यक्कल अगेका कौन दिया तुम रुको अगी जे प्रजा गाने के लिए मुखार का लगा ना स्वयं लगा मतलब ये बाबू राव का स्टाइल है। शरबत वगैरह हम लोगों ने पी लिया और अभी हम पहुंच गए हैं घर और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का शान नहीं है। हमारे पश्तों में बोलते हैं कि दबार हुआ तो शान निश्ता,
तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी शान नहीं है। चलते हैं घर, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, आप लोग को लग रहा होगा कि वैसे शायद कह रहे हैं लोग, बट लिटरली इतनी गर्मी है कि बिल्कुल सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो भाई अभी हमें बोला गया है कि जो है आप लोग की जो है कुर्बानी वो आ गई है, और इस तरह है कि आप लोग जाकर देख दो और आपको मिलेगी ईद की सुबह पे इंशाल्लाह। सुबह का व्लॉग यहां से स्टार्ट होता है। चुटकुलू भी है मेरे साथ। क्या खुशी, क्या है पहलवान? नहीं इसको वो अभी नहीं बोला ना, अभी तो खैर वीडियो आने ना पहलवान। अभी इस वक्त तुम लोग क्या देखने के लिए आए हो? तुम लोग इतना कुर्बानी का जानवर देखने आए हैं। अच्छा थे माशाल्लाह। खुश नबी देता खुश ये था हमारा कुर्बानी का जानवर, और अभी जो है जानवर को ये लोग लेकर आएंगे सुबह नमाज के बाद, क्योंकि हमारे पास अभी जगह वगैरह भी नहीं, और मतलब एक प्रॉपर उसके लिए ना मतलब चारा वगैरह डालना होता है। तो हमने उन्हें कहे कि भाई आप लोग उसको नमाज के बाद आए ना, तो इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर वो लेके आएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं क्या कहने के लिए, कबाब कबाब। इसके साथ साथ हम लोगों ने कबाब वगैरह भी खा लिए, और भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्विफ्ट की गाड़ी में एसी भी नहीं है। फिर आज का ब्लॉग फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं सुबह क्योंकि कल ईद है। अल्लाह हाफिज़।